नमस्कार एंड वेलकम टू कॉमेडी नाइट्स तमाशा। रणवीर, ये कॉमेडी नाइट्स बचाव है। हाँ, लेकिन हमने फिल्म बनाई है, मेहनत से बनाई है, तो प्रमोशन भी करनी पड़ेगी ना। वैसे शो पे कौन आ रहा है? थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। हेलो, आप लोग ऐसे क्या देख रहे हो? आई मैं दीपिका और ये भाई वो रणबीर कपूर। जोरदार तालियां हो जाए। और ये है कृष्णा और भारती, टीवी के एक्टर। अरे क्यों कर रहे हो हमारे साथ ऐसा भारती? हमारे साथ क्या हो रहा है? यार कुछ भी हो तेरा, इसका झोपड़ी वाला निकल ही जाता है बाहर। पागल है। हाँ सही बात है, क्यों 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 हो रहा है हमारे साथ ऐसा? हमारा शो हिट हो गया तो इनको एंकर ले लिया। पेट पे लात मारी है, बाकी तमाशा कर रहे हैं। अरे आप लोगों का क्या है? मतलब एक फिल्म करेंगे 10 करोड़ रुपए ऐसे आ जाएगा ऐसे? हम टीवी के लोग 6-6 महीना काम करते हैं तब जाके 25-50 करोड़ रुपए बनते हैं हमारे। खैर लेकिन जो भी बोलो भैया, सुपरस्टार तो सुपरस्टार ही होता है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए भारती सिंह और मेरे लिए। क्या बात है भारती, जरा इधर आना, दीपिका के बगल में आना ना थोड़ा सा। हाँ क्या लग रहा, एकदम चेन्नई एक्सप्रेस की याद आती है ना। दीपिका जब ट्रेन में चढ़ी थी ना, वो 4-4 गुंडे चढ़े थे मुस्टंडे। एक गुंडा बिल्कुल भारती की तरह लगता था, है ना भारती? मुझे भी याद आ गया दीपिका, वो थंगबली नहीं था उसके साथ जो 4 गुंडे, जो तीसरा वाला गुंडा। ये तो वैसे ही दिखता है ना। नहीं, ये उसके ऑडिशन में भी रिजेक्ट हो गया था। नल्ला कहीं कमीज से बात कर तो रणबीर समझाओ, मैं छोटा मोटा आदमी नहीं हूँ। अरे मेरी भी तो पिक्चर आई थी। कौन सी? आशिकी 2। रणबीर जी आप इधर आइए, ये बोलते वक्त थूक बहुत फेंकता है। आशिकी 2 कहाँ? आशिकी 2 में? अरे आशिकी 2 में वो जो हीरो ऐसे लड़के लोग के साथ बैठ के दारू नहीं पी रहा, वो सीन में। दारू पीने वाले सीन में? उसमें तो तू था ही नहीं। हाँ तो मैं बर्फ लेने गया था तभी। ऐसा थोड़ी होता है, बात करते। वैसे दीपिका मैंने आपकी फिल्म देखी यार, मतलब कमाल का काम किया है, पता चल जाता है यार मजे हुए एक्टर। वो आपने एक मोटे के साथ वो किया था ना फोन वाला कुछ, मैं चाहती हूँ वो डायलॉग ना आप कृष्णा के साथ बोलो। तेरे को मौका मिल रहा दीपिका पादुकोण के साथ एक्टिंग करने का। मुझे रोमांटिक सीन है। हाँ कृष्णा, तेरे को सिर्फ बोलना है नो मनी नो फोन कॉल्स। नो मनी नो फोन कॉल, सिर्फ 2 ही डायलॉग प्लीज इसके साथ। क्या बात है, जोरदार तालियां कृष्णा के लिए। रणबीर कपूर का मेकअप मैन रखा है। वाह, रेडी? अरे दीपिका को देख के अच्छे अच्छे बेहोश हो जाते हैं भैया। यस डार्लिंग, जस्ट 1 फोन कॉल प्लीज। नो जस्ट 1 सेकंड, नो मनी नो फोन कॉल प्लीज, जस्ट 1 सेकंड, नो मनी नो फोन कॉल। झंड फकीर सुअर की औलाद मर जा साले कमीने। क्या बात है, पहली लड़की है जिसने कृष्णा को पहचान लिया है। झंड फकीर सुअर की औलाद, वाह वाह, कुत्ते का बच्चा तो भूल ही गई आप। क्या बात है सर, आप दूर दूर क्यों जा रहे फिल्म में, आप भी तो हो ना। रणबीर ये मेरे को हमेशा फंसा देती है, ऐसे से यू नो डायलॉग बुलवाती, मुझे गालियां पड़वाती है हमेशा, हीरो ने से कुछ करो। भारती फैमिली शो, आप उसका साथ देंगे सर? आप उसके साथ मिलके मेरी बेइज्जती करेंगे? तमाशा की तरफ से, दीपिका और मेरी तरफ से, हमने आपके लिए एक गाना बनाया है सिर्फ आपके लिए, जो हम आपको डेडिकेट करना चाहते हैं। और ये दिल की बात है, हार दीजिए दिल आज तो, इरशाद है। देख लिया, मुझे छेड़ती हमेशा। मैं इसको नहीं छेड़ूंगी, लेकिन आप भी इसके साथ मिल गए, काश मैं अपना करवा चौथ बीच में तोड़ लेती। तमाशा के लिए जोरदार तालियां हो जाए। हमेशा हम लोग ये सिंहासन नीचे बुलाने के लिए बचाओ चिल्लाते, लेकिन आज हम क्या चिल्लाएंगे? तमाशा। फिर समय आ चुका है। चलो चलो तुम निकलो, मैं तो खड़ी रहूंगी यहाँ पे। अबे मुझे नहीं, आपको। सॉरी, ये ना बेचारी मानती नहीं, इसको प्यार से बोलना पड़ता है। भाग यहाँ से, चलो पीछे। पर मैं इसकी बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं मानती, चल बे। तो ऑडियंस
सबसे पहले कुर्सी पे किसको बिठाया जाए? रणबीर। चलिए रणबीर के लिए जोरदार तालियां हो जाए। कैसे आप? बस फर्स्ट क्लास साहब। अरे बंदा तो सीरियस ही हो गया। अभी ना कुछ एपिसोड पहले आप सिस्टर आई थी करिश्मा कपूर, मैंने उनको ना ऐसे ही बोल दिया, मैं क्या अपने भाई को भी भेजना, आप सच्ची आ गए यार। तो ये कैसी बात है, कोई बाजार में मिले और कहते थे ना भाई प्लीज घर आना, हाँ वो सच में थोड़ी आ जाते हैं। आए दीपिका, एक बात बोलूं, दीपिका फोटो मस्त है। नहीं आपका नहीं कह रही, मेरे व्हाट्सएप के डीपी का फोटो मस्त है, देखो ना जरा। वैसे एक बात बोलूं, आते ही आपने सारी लड़कियों को कॉम्प्लेक्स दे दिया। नहीं मुझे नहीं, मैं तो बचपन से ही कड़ाक हूं। वैसे एक बात बोलूं दीपिका, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, आपने फिल्मों में स्टंट भी किए हैं और मुझे ये भी पता कि आप ऊंचाई से बिल्कुल नहीं डरती। रणबीर डरेगी भी कैसे, जिस लड़की का मुंह खुद तीसरे माले तक जाता है वो ऊंचाई से कैसे डरेगी। लेकिन क्या हाइट है आपकी, सच में मतलब मजा आ जाता है। मैंने आपकी कॉकटेल बहुत बार देखी है, मेरी मम्मी ने भी, साथ में बैठ के देखते हैं। कितना पीती थी आप, एक के बाद कितना पीती थी ये लड़की। मेरी मम्मी ने आपके लिए एक मैसेज दिया है, मम्मी ने कहा है कि वो खाली बोतलें हमें देना, हमारा भंगार का भी काम है। लेकिन रणबीर जैसे एक बात बोलूं, आप ना ही इंस्टा पे, ना ही फेसबुक पे, ना ही ट्विटर पे 3G प्लान डलवा के ले लेते हैं आप। सस्ता है 3G प्लान, डलवा लीजिए, सच में कह रही हूँ मैं। अब तो 4G वाली लड़की भी खुली घूम रही है, उसको ही पकड़ लो। यार मतलब क्या, काफी लाफ्टर आ रहा था, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, ये आ गए। आज तो साथ में लिया, मतलब दीपिका और रणबीर आए, पता कितना बड़ा फैन हूं मैं इनका। हां तो वो कहते चाचा चाची की तो पहले ले आती थी। लेकिन एक बात मानेंगे आप दोनों, आपको एक बंदे का आशीर्वाद लेना पड़ेगा। हमारे सेट में एक बहुत सीनियर एक्टर हैं जिनकी हम दिल से बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, कुछ भी करते हैं उनका मतलब आशीर्वाद लेते हैं, सुदेश लहरी जी, बहुत सीनियर एक्टर है। और दीपिका, सच में कह रही हूँ, दीपिका रणबीर हम दिल से इनकी रिस्पेक्ट। ए बुड्ढे सही बैठना, तेरी बात कर रही, मार इसके कान के नीचे। मुझे शर्म नहीं आती, मतलब सुदेश जी कितने सीनियर है, ऐसे बात करते हैं? तो क्या हुआ, एक ही शहर अमृतसर से, पता कितना प्यार करती हूँ मैं उनको, मैंने उनका फोटो भी बना रखा है, देख लेकर आ सबको दिखा। अबे खाली है ये। हाँ तो मैंने उनका मरने के बाद का फोटो बनाया, आत्मा का कोई फोटो थोड़ी होता है। खैर सुदेश जी को छोड़, रणबीर यार मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ यार। क्यों? मतलब आपने फिल्म में वो टावल डांस किया, लड़कियां पागल हुई, लोग पागल हो गए, मैंने किया, मुझे लोगों ने मारा। इसने पता कैसे किया था, आपने टावल पकड़ा, आपने कहा था जब से तेरे नैना, इसने कहा जब से तेरे नैना तेरे नैनो से लागे रे, लोगों ने वही टावल गीला करके ना ऐसा मारा। आपकी फिल्म में बहुत ब्लू ब्लू था ना, इसके पीठ पे बहुत ब्लू ब्लू है, देखो। तू देख लियो, मैं एक दिन रणबीर कपूर बन के दिखाऊंगा तुझे। रणबीर कपूर बन के दिखाऊंगा। बेटा रणबीर कपूर बनने के लिए हिट फिल्में देनी पड़ती है, रॉकस्टार, जवानी दीवानी, बर्फी, और भी कई फिल्में, और भी कई फिल्में, राहुल रॉय, बॉम्बे में आकर आप वेलवेट सोफे में बैठे हैं। यार तू कितना बेशरम है, तू बोली जा रहा है। क्या बोली जा रही है तू, दीपिका के बारे में बात कर ले। ये लड़की तो अलग ही है, तुम्हें पता है, अरे दिल की कितनी अच्छी है, और वो छोड़ ये दोनों दिल के बहुत अच्छे हैं, जवानी दीवानी में ये थे, लेकिन इन्होंने एक खरगोश को भी चांस दिया है। क्या रहे हो, वो कल की है। तो दिमाग खराब है क्या, अरे वो कल की बात नहीं कर रही मैं, एक गाने में ये दोनों पहाड़ों पे नाच रहे हैं, पीछे खरगोश भाग रहा है, उसकी बात कर रही हूँ मैं। पागल कहीं का। वैसे ये जो है ना दीपिका जी, ये सिर्फ एक्टिंग नहीं करती है, बहुत कुछ करती है, तेरे को पता है फिल्मों में। अरे मैंने देखा क्या स्टंट करती है यार, आप उछलो तो क्या बात है, क्या मस्त किया था ना फिल्म, मैंने खुद देखा था चांदनी चौक टू चाइना। चुप कर, इतनी बार का बैक स्टेज क्या समझाया था, कोई ऐसी बात नहीं करनी जिससे वो नाराज हो जाए। लड़कियां ऐसे मारती हैं, है? उसे देख, पता है कितना डिफरेंस है तेरे में उसमें। क्या है? क्या वो ऐसी है, मैं थोड़ी ऐसी हूँ ना। रणबीर आपका फिल्म में नाम क्या है, वेद ना, तो मैं जब भी आपके पास आऊँ ना आप ऐसे छाती से ऐसे शर्ट फाड़ के ऐसे छाती खोल देना। ओके।
क्योंकि मेरी मम्मी ने कहा है वेद खोल के पढ़ो ना तो बड़ी चीजें मिलती हैं। देख तू बहुत बोल रही है, आज मैं बोलना चाहता हूँ कुछ। दीपिका एक रिक्वेस्ट है, मैंने आपका ये स्टेप देखा है, आपका जो गाना आया है, तो मैं वो स्टेप जरा सीखना चाहता हूँ और आपके साथ करना चाहता हूँ, तो प्लीज क्या आप नहीं, यहां नहीं, पे तो ऐसी बातें होती है, प्रोमो बनाना चाहता है ये। आपने तो चलो अच्छा किया क्योंकि आपने किया हुआ है। इसने अच्छा पता क्यों किया, इसने टाइट कच्छा पहना हुआ है। रणवीर आपको पता सुबह से रिहर्सल कर रहा है, कई बार तो कच्चे का लास्टिक निकल के इसके मुंह पे भी बजा है। चल इसीलिए कहती हूँ लास्टिक वाला कच्चा मत पहना कर। अपना रणवीर देख ला, नाड़े वाला कच्चा मस्त है ना। क्यूट लगता है हमारे शो का सबसे क्यूट लड़का है, लड़कियां कहती बड़ा क्यूट है। वो सफेद चूहे नहीं होते घर में, ऐसा लगता है कोई सफेद चूहे ने जिम में जाके बॉडी बना ली होती। अरे वाह क्या स्टेप, ये स्टेप बहुत पॉपुलर हो गया है। एक दिन ना सुदेश जी भी अपने मोहल्ले में कर रहे थे, लेकिन पोल के पास कर रहे थे। इनको मोहल्ले वालों ने इतना मारा, कहते अभी तक तो कुत्ते कर रहे थे, आप भी शुरू हो गए। फिर बाद में इन्होंने भौंक के दिखाया, तब माने हो। बहुत बढ़िया, करण के लिए और भारती के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू। आइए भारती जी। हाय हाय क्या बात है हमारी भारती जी। एक मिनट रणबीर, मैं जब भी परफॉर्म कर रही थी आप तकिए में ऐसा, मतलब आप कुछ कहना चाहते हैं, आपकी आंखें कुछ कहना चाहती हैं। हाँ, तकिए में कुछ नहीं, वो भी तकिए को ही देख रहे थे। वाह ये टॉवल फ्रेम करा के रखूंगी, ये वही टॉवल है जो रणबीर कपूर ने अपने बम पे घसीटा है। बम, बम, बम। आने वाले कुछ सालों में ना मैं और रणबीर ऐसे खड़े होंगे। छोटा सा रन्नू हमने पकड़ा होगा। चलिए आइए ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से, दो दो मिनट बाद बेटा दुद्दू भी मांगता है। देखा जो आज तक कोई हीरोइन नहीं कर पाई भारती सिंह ने कर दिया। बच्चा मेरा बच्चा, अरे उठा लो पागल है ये। कितने कठोर दिल है सर, पकड़ते वक्त सोचा नहीं बच्चा उधर रख दिया आपने। देखो सर ये हीरो लोग शर्मा जाते हैं, पहले इनको पता नहीं चलता, जब हो जाता तब साइड में रख देते हैं। दीपिका मैम अभी आप ही की बारी है, वेद और तारा एक साथ बैठेंगे। मुझे पता आप क्या कह रहे हैं, आप कह रहे हैं दीपिका सॉरी यार आरती कितनी क्यूट लग रही है, मैं किस कर लूं जाके एक। और वो भी लड़की इतना जली ना कुछ रिएक्ट नहीं किया करती है ना।